हेलो एवरीवन वेलकम टू वाई यूट्यूब चैनल आज के सेशन में हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे देखेंगे न्यूज में क्यों था रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड आपकी इंडस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स लॉन्च दी फॉरन ट्रेड पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो यहाँ पर हमारा हमारे कुछ टारगेट्स हैं कुछ यहाँ पर प्र प्रिंसिपल्स को भी सजेस्ट किया गया है और कुछ न्यू चीजें ऐड की गई हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सो so, उसको हम होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले देखते हैं कि एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती ही क्या है सो अ ट्रेड पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इफेक्ट्स नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स सो जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी जो पॉलिसी बनी होती है दैट इज नोन एज फॉरन ट्रेड पॉलिसी सो सबसे पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है क्या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम या तो इम्पोर्ट करेंगे या फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो एक डॉक्यूमेंट है उसको कहा जाता है फॉरन ट्रेड पॉलिसी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है अगर हम बात करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है सो so, अगर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की बात करते हैं तो हमारा टारगेट है टू ट्रिलियन टारगेट फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय 2030 थर्टी नैट्स ए ह्यूज ह्यूज नंबर जहां पर हमने टारगेट रखा है दैट इज टू ट्रिलियन टारगेट फॉर एक्सपोर्ट्स कब तक करना है 2030 तक करना है प्रिलियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हमारा एम हमारा टारगेट क्या है राइट सो विद अ शिफ्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स टू रिमिशन एंड एंटाइटलमेंट बेस्ड रिजीम सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इंसेंटिव्स को घटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रेमिशंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहाँ पर आपको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर हम एंटाइटल बेस्ड रिजीम्स की बात कर रहे हैं राइट सो हमारा टारगेट क्या है आपको यहाँ पर कोट याद रखना है दैट इज़ टू ट्रिलियन बाय 2023 ट्वेंटी थ्री वॉट आर दी प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इट इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स सो यहाँ पर दो चीज़ें हमने कैरी फॉरवर्ड करनी है एक तो ट्रस्ट बनाना है और दूसरा पार्टनरशिप्स करनी है किसके साथ एक्सपोर्टर्स के साथ सो so, यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी हमने काफ़ी लिबरेट करना है जिससे कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को जो रैंक है जो पहले से काफी अच्छा हो चुका है उसको और भी मर्ज करने की जरूरत है क्यों क्योंकि यहाँ पर हम टू ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं ट्वेंटी तक सो so, प्रिंसिपल क्या है ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद द एक्सपोर्टर्स ना वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एफ FTP? एफ uh, टी अगर हम बात करते हैं तो आपसे ये मेन्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो फॉरन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की गई है उसके लिए हमारी कंट्री पे क्या सिग्निफिकेंस होगा सो so, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन की एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर हमने क्या करना है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना है एक्सपोर्ट के लिए अब अगर हम बात करते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको रेवेन्यूज थ्रू एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे जो एक्चुअली में क्या सपोर्ट करेंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को राइट right? ऐसे ही इंकरेजस एक्सपोर्ट्स एंड अट्रैक्ट्स फॉरन इन्वेस्टमेंट्स सो दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो फॉरन इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं सो so, सबसे पहले ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा नंबर वन नंबर टू की अगर बात करते हैं इट विल अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट हमारी सिग्निफिकेंस है दैट इज कोलैबोरेशन विद स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अब यहां पर क्या करने की कोशिश की जा रही है जितनी भी स्टेट्स इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं तो वो उनको भी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज किया जाए जिससे कि वो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकें so, सो पर यही कहा गया है फेसिलिटेट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन एट द रीजनल लेवल अब हम यहां पर नेशनल लेवल नहीं हम राधर डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाह रहे हैं जिसमें हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्स को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं जिससे कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो रीजनल लेवल तक हो सके राइट नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ अब अगर हम की बात करते हैं, तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स एंड सिंप्लीफाइज एक्सपोर्ट प्रोसेसेस देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट प्रोसेसेस को सिम्पलीफाई करना चाहते हैं सो so, इसका मतलब क्या है? जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपको देखने को मिलती है उसको रिड्यूस करना है और हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ पाए किन की एक्सपोर्टर्स की राइट right. नेक्स्ट है इट फेसिलिटेट द फ्लो ऑफ द इकोनॉमी इन अ कंट्री एंड इनक्रीजेज द फॉरिन एक्सचेंज इन टू अ कंट्री ना जैसे जैसे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो फॉरक्स रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे वो भी एक ह्यूज नंबर में देखने को मिलेंगे विच इन्ेबल्स द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी सो अगर हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो फॉरेक्स रिजर्वस का बहुत ज्यादा महत्व रोल होता है सो अगेन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट्स करेंगे उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा स्पर होगा नेक्स्ट right. आता है फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर अब डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए क्या है सो इट इन फैसिलिटेटिंग फ्री ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन एंड इम्प्रूविंग दी ओवरऑल मार्केट फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ऑफ अ कंट्री ना यहां पर हम फ्री ट्रेड और लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको भी एक इंप्रूव्ड सीनालियो देखने को मिले सो so, अगर हम बात करते हैं एफ की तो आपको यहाँ पर चार कैटेगरीज में सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है सबसे पहला है एक्सपोर्ट प्रमोशन नेक्स्ट है हमारे पास कोलाबोशन विद द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स राइट सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ दी एफ नेक्स्ट वट इज द एम ऑफ एफ टी सो इट इनहसेज To enhance the competitiveness of Indian exports in the global market, India's overall exports are about to reach 760 US dollars billion by this year. So, 760 billion आपको देखने को मिल रहे हैं. So, that's a huge number. अब हमारा target क्या है? 2030 तक 2 trillion exports करना चाह रहे हैं. हमारे हो कितने हुए हैं? That is 760 billion. नेक्स्ट हम यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सो so, ये मैं आपको बता चुकी हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों क्योंकि यहां का जो ट्रेड सेक्टर है उसको हम डिस्ट्रिक्ट्स तक लेके जाना चाहते हैं एक्सपोर्ट्स हम वहां से करना चाह रहे हैं।

So बात है हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी स्ट्रेंथंड है कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं और यहां पर एक्सपोर्ट्स और भी ज्यादा स्पर कर सकते हैं सो so यहां पर फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग गुड्स और टेक्सटाइल्स की बात की जा रही है टू प्रोटिजिटल एंड लिवरेज टेक्नोलॉजी टू इंडियन

ड्यूटी और वी कैन से दैट इज पेनल्टी सो यहाँ पर जो भी पेनल्टी लगाई गई है उसको जल्दी से इम्प्रूव करना जल्दी से सॉट आउट करना और कुछ आपके डेट जो हैं जिससे हम एक्सपोर्ट को स्पर कर पाए वो एक पहला पिलर है दैट इज इंसेंटिव टू रिमिशन नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाबोरेशन अब यहाँ पर कोलाबोरेशन करी जाएगी एक्सपोर्टर्स से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से और इंडियन मिशन से सो so, यहाँ पर कोलैबोरेशन जो है दैट इज़ दी सेकेंड पिलर थर्ड पिलर की अगर बात करते हैं दैट इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं और यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग राधा डिजिटल इंटरवेंशन चाह रहे हैं जहाँ पर हम ई e इनिशियेटिव की बात करते हैं जिससे कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो बहुत इफेक्टिव हो पाए चौथा पिलर है इमर्जिंग एरियाज अब ऐसे इमर्जिंग एरियाज को भी प्रमोट करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्स एज एक्सपोर्ट हब्स एंड स्ट्रीम लाइनिंग स्कॉमेट पॉलिसी अब स्कॉमेट पॉलिसी को के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि न्यू इंटरवेंशन है यहाँ पर देखा गया है कि जो फोर्थ पिलर है वो एक गेम चेंजर हो सकता है किसके लिए इंडिया के लिए तो स्कॉमेट पॉलिसी क्या है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे सो so, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स डेवलपमेंट करी जाए जिससे कि ग्रोथ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी लेके जा सके राइट right. अब हम बात कर लेते हैं आ, इनके फीचर्स की सबसे पहला फीचर है दैट इज प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन अब ये जो न्यू पॉलिसी है इट फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट थ्रू ऑटोमेटेड आईटी सिस्टम्स फॉर वेरियस अप्रूवल्स मेकिंग इट ईजियर फॉर एम एस एम ईज एंड अदर टू एक्सेस एक्सपोर्ट बेनिफिट्स अब देखिए अगर हम मेजोरिटी सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में ज्यादातर एम एस एम ईज एग्जिस्ट करते हैं तो यहां पर यही कोशिश की गई है कि जो एम हैं, वो भी एक्सपोर्ट बिजनेस में आ पाए और उनको भी प्रॉफिट हो तो यहां पर क्या किया जा रहा है जो बहुत सारे आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं वो अप्रूवल्स में आपको काफी ज्यादा ईज हो जाए तो पहला पिलर पहला फीचर क्या है प्रोसेस री एंड ऑटोमेशन सो so ऑटोमेशन यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जो एम एस एम ई सेक्टर है वो आपका स्पर्क कर पाए सो so आप देख सकते हैं इट विल ऑल्सो इनकरेज एम एस एम ईस टू पार्टिसिपेट इन दी ग्लोबल मार्केट सो हमारा फोकस एरिया यही है कि हम जो एम एस एम ई सेक्टर है उसको बूस्ट कर पाए और ये जो वर्ल्ड इकोनोमी में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखी जाए और एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उनमें इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा देखी जाए राइट right. नेक्स्ट आता है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस एज द नेम्स नेम सजेस्ट तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे टाउन्स को लेके लेके आ रहे हैं जो एक्चुअली में क्या होंगे एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जिनके पास होगी सो so, अब यहाँ पर चार टाउन सिटीज बनाई गई हैं नाम याद रखना है प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so अगर हम देखते हैं फोर न्यू टाउन्स दैट इज फरीदाबाद मिर्ज़ापुर मुरादाबाद एंड वाराणसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखने हैं ये चार न्यू टाउन्स ऐड किए गए हैं हैव बीन रजिस्टर्ड एज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस इन एडिशन to existing 39 towns. So 39 towns आपको यहाँ पर export excellence के देखने को मिलते हैं अब इस policy में चार और add किए गए हैं वो चार कौन से हैं Again I'll repeat that is Faridabad, Mirzapur, Muradabad and Varanasi. Right? So these will be the export excellence cities. So डी टीज है प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फंडर दी एम ए आई स्कीम सो यहाँ पर हम क्या बूस्ट करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट और कारपेट्स सो so, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोकल आपको देखने को मिलती हैं प्रोडक्शन uh, उनको हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं सो so, यहाँ पर हैंडलूम्स hand हैंडीक्राफ्ट्स और कारपेट्स को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं चार यहाँ पर न्यू सिटीज बनाए गए हैं जो कि एक्सपोर्ट एक्सेलेंस के तहत आते हैं राइट right. नेक्स्ट आता है रिकग्नेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स नाउ वी विल व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सपोर्टर फर्म्स रिकोगनाइज विद स्टेटस एग्जांपल टू स्टार फोर स्टार फाइव स्टार रेटिंग्स यहां पर दी जाएंगी बेस्ड ऑन दी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस विल नाव हेल्प इन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग सो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए जो भी एक्सपोर्टर फर्म्स रजिस्टर्ड हैं 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार की तो यहाँ पर वो क्या प्रोवाइड करेंगी स्किलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी जिससे कि हम एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा इन्वायमेंट बना पाए जहां पर हम एक्सपोर्ट की प्रमोशन कर पाए तो यहां पर आप देख सकते हैं रिकग्नेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स दी जाएगी जो एक्चुअली में क्या करेगी यहां पर स्किलिंग ऑन ट्रेनिंग देगी जिससे कि हम अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए राइट right, सो so आप देख सकते हैं इट इज सिमिलर टू ईच वन टीच वन इनिशिएटिव सो अगर एक को हमने पढ़ा लिखा दिया है तो वो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो दूसरे को पढ़ा लिखा देगा देगा तो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाए अब वो रिकोगशन के बाद क्या करेंगे दूसरे लोगों को एन्वायरमेंट देंगे जिससे कि वो स्किल कर पाए और ट्रेनिंग दे पाए और यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सके राइट सो यहां पर यही कहा गया है, दिस विल हेल्प इंडिया बिल्ड स्किल्ड मैन पावर पूल केपेबल ऑफ सर्विंग अ फाइव ट्रिलियन इकॉनमी बिफोर 2030. नाउ वी हैव अ टारगेट ऑफ मेकिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज फाइव ट्रिलियन बाय 2030. जिसमें से हम एक्सपोर्ट्स की वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको टू ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाए राइट एक्सपोर्ट्स के द्वारा सो यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो अगेन आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर तभी रिकग्निशन दी जा रही है एक्सपोर्टर्स को नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको जैसे कि बताया इस पॉलिसी में डिस्ट्रिक्ट्स पे भी फोकस किया गया है सो so, इसका मतलब क्या है यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं दी एफ टी पी एम्स एट बिल्डिंग पार्टनरशिप्स विद स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड टेकिंग फॉरवर्ड द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स यहाँ पर हम बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्या बन जाएगा एक्सपोर्ट हब बन जाएगा सो so आप देख सकते हैं डी ई एच इनिशिएटिव टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल सो यहाँ पर क्या करेंगे जो भी प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल अ डिस्ट्रिक्ट इज फेमस इन प्रोड्यूसिंग अ लोकल प्रोडक्ट अब उस लोकल प्रोडक्ट को हमने कहाँ लेके जाना है ग्लोबल मार्केट में इसका मतलब क्या होता है ग्लोकलाइजेशन ग्लोकलाइजेशन का मतलब क्या है वॉट एवर द लोकल प्रोडक्ट यू आर हैविंग उसको हम ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना चाह रहे हैं सो so, इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें राइट right? सो so, यहाँ पर दैट इज प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज स्ट्रीम लाइन स्कॉमेट पॉलिसी अब देखिए अगर हम स्कॉमेट पॉलिसी की बात करते हैं सो स्कॉमेट स्टैंड फॉर जैसे ही आपको नाम पता चलेगा तो यू विल बी क्लियर विद डेट सो दैट इज स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटीरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी आइटम्स आर डूल यूज आइटम्स हैविंग द पोटेंशियल फॉर बोथ सिविलेशन एज वेल एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सो इसमें हमने क्या किया है कुछ ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिनको हम वेपन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं बट उनका यूटिलाइजेशन आपको सिविलन पर्पसेस के लिए भी देखने को मिलता है तो यहां पर हमने कॉम्ड पॉलिसी की बात करी है जिसमें हमने स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करी है कि वो भी एक्सपोर्ट करने का मौका दिया जाएगा सो so, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम को एक्चुअली में थोड़ा लिबरलाइज कर रहे हैं क्योंकि ये चीजों पे बैन लगाया हुआ था जिसकी वजह से हम इन चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे तो यहां पर यही किया गया है इंडिया इज प्लेसिंग मोर एम्फोसिस ऑन दी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम टू कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स एंटर्ड बाई दी इंडिया सो so, आप यहाँ पर देख सकते हैं अ रोबोस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया वुड प्रोवाइड एक्सेस टू डू एल यूज हाई एंड गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू इंडियन एक्सपोर्टर्स वाइल फेसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रोल्ड आइटम्स सो ये जो आइटम्स हैं एक्चुअली में यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है कि आप कुछ ही आइटम्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर यही किया जा रहा है कि जिन भी ऐसे आइटम्स पर जिन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल है उसको हम मैनिफेस्ट कर सकें और यहाँ पर सिविलियन पर्पसेस के लिए इसको हम एक्सपोर्ट कर सकें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को प्रॉपरली जो कंट्रोल्ड आइटम्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें जिससे अगेन हमारी जो प्रोमिनेंस है एक्सपोर्ट मार्केट में वो देख पाए

सो so जनरली आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे ई कॉमर्स आइटम्स हैं उसको भी हम ग्लोबल लेवल तक लेके जा सकें इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पर हब्स बनाए जाएं और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट किया जाए इट right. नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन अंडर दी एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है दी सी जी स्कीम विच अलाउज द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इज बिंग फर्दर रैशनलाइज अब देखिए यहां पर क्या होता है सपोजिटली आपको कोई एक इंडस्ट्री लगानी है अब इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको क्या चाहिए मशीनरी चाहिए अब सपोजिटली वो मशीनरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो मशीनरी आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो यहां पर यह कोशिश करी गई थी कि ये जो इंपोर्ट करी जा रही हैं मशीन कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो कैपिटल गुड्स पे जीरो ड्यूटी लगाई जाए इससे होगा क्या ऑब्वियस सी बात है जो हमारी मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव बन पाएगी क्योंकि उन मशीन से जो आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे वो गुड्स जो प्रोड्यूस करे जाएंगे वो हम इजिली ग्लोबल मार्केट में बेच सकते हैं कॉम्पिटिटिव रेट्स पे इसलिए यहां पर जीरो कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी फॉर दीज कैपिटल गुड्स अब ऐसे ही अगर हम पीएम मित्रा स्कीम की बात करते हैं तो पीएम मित्रा स्कीम में भी आपने देखा होगा एडिशनल स्कीम सच पीएम मित्रा स्कीम हैव बीन एडेड टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर कॉमन सर्विस प्रोवाइडर स्कीम्स सो so, ये करेगा क्या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पर कर सकते हैं क्युं? क्यों क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पर कैपिटल गुड्स को गुड्स की इम्पोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे वो चीपर रेट्स पर कर पाएंगे और यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी भी जीरो कस्टम ड्यूटी देखने को मिलती है फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सो यहाँ पर अगेन आपको बेनिफिट बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीसाइकलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्रीन हाइड्रोजन आर एडेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स अब आपने पढ़ा होगा जब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है जो एनवायरमेंट के लिए कोई भी हार्मफुल एलिमेंट्स नहीं प्रोड्यूस करते सो so, अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वर्टिकल फार्मिंग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हम रेन वॉस्टर वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इनको सबको हमने किस में डाला हुआ है ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विल नाउ बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट्स अंडर दी ई पी स्कीम सो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फॉर कैपिटल गुड्स में ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर बेनिफिट दिया है सो so, आप देख सकते हैं इट विल प्रमोट दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स सो यहां पर हम कैपिटल गुड्स में भी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं सो दिस वॉज दी होलिस्टिक कवरेज जहां पर हमने देखा कि एफ टी पी क्या क्या प्रोमिस कर रही है और क्या हमारे टारगेट्स हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं अब इसी के बेस्ड हम यहाँ पर अगेन uh, Uh, आपके पास और भी uh, आपको पॉइंट्स uh, देखने को मिलेंगे इसमें उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला है दैट इज फेसिलिटेशन अंडर द एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम अब देखिए जो एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम है वो क्या है इट इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम्स अब यहां पर रॉ मटेरियल्स पे अगेन आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट देखने को मिलता है इससे होगा क्या जो एक्चुअली में हम यहां पर मैन्युफैक्चर करेंगे वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट पे हम बेच पाएंगे राइट सो इट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ अपैरल एंड अपार्लोदिंग सेक्टर अब क्लोदिंग सेक्टर और अपैरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहां पर इसको किस सेक्टर में ला डाल दिया गया है दैट इज एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत जिसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आप कर सकते हैं और रॉ मटेरियल्स का अब जब ड्यूटी फ्री होगा तो मतलब सस्ते में आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आप एक्सपोर्ट भी सस्ते में कर पाओगे और जो कि कॉम्पिटिटिव होगा दूसरे नेशंस के साथ राइट right. नेक्स्ट आता है मर्चेंटिंग ट्रेड अब मर्चेंटिंग ट्रेड का मतलब क्या होता है इट इन्वॉल्व शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर सो यहां पर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो शिपमेंट्स कर रहे हैं उसको उसको बोला जाता है दैट इज मर्चेंटिंग ट्रेड विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स इन्वॉल्विंग एंड इंडियन intermediary. So सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो ईज कर पाए ये जो बिजनेस का रूट है इसको ईज कर पाएँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं वो easily जा पाएँ इसीलिए यहाँ पर इसको facilitate किया गया अब यह चीज याद रखनी है मर्चेंटिंग ट्रेड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स अंडर दी एक्सपोर्ट पॉलिसी वुड नाउ बी पॉसिबल सो मर्चेंटिंग ट्रेड में आप अगेन जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो अगेन यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज किया जा रहा है लॉजिस्टिक्स का जो टाइम uh, पीरियड है उसको भी रिड्यूस करने की बात की गई है राइट right? सो so, आप देख सकते हैं इट विल हेल्प कन्वर्ट फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज गिटी इट सेक्टर इन टू मेजर मर्चेंटिंग हब्स सीन एज दी प्लेसिस लाइक दुबई सिंगापुर एंड हांगकॉग अब देखिए जो दुबई है सिंगापुर है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये मर्चेंटिंग हब्स हैं ऐसे ही हम गिफ्ट सिटी को क्या बनाना चाह रहे हैं एक मर्चेंटिंग हब सो इससे क्या है जो ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी राइट सो यहां पर हमने रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड आइटम्स को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की है नेक्स्ट आता है एमनेस्टी स्कीम अब यहाँ पर हम अगर याद करते हैं पिछला ईयर uh, तो वहाँ पर विवाद से विश्वास स्कीम चली थी इनिशिएटिव चला था जहाँ पर यह कहा गया था इट वाज वन टाइम एमनेस्टी स्कीम सो यहाँ पर यही कहा गया है इट इज सिमिलर टू विवाद विवाद से विश्वास इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ स्पेशल वन टाइम एमनेस्टी स्कीम अंडर विच एक्सपोर्टर्स हु हैव बीन अनएबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन अंडर द ई एंड द एडवांस ऑथराइजेशन Be regularized on payments of all custom duties exempted in promotion to unfulfilled export obligations. The interest payable is capped at 100% of these exempted duties under the scheme. अब यहां पर यह कहा जा रहा है जैसे एक एमनेस्टी स्कीम विवाद से विश्वास लेके आई गई थी जिसमें हमने टैक्स पेयर्स के लिए एक एमनेस्टी एमनेस्टी वन टाइम स्कीम चलाई थी तो यहां पर एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक एमनेस्टी स्कीम लाई गई है सिमिलर टू विवाद से विश्वास स्कीम सो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अगेन इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग लिटिगेशन एंड फॉस्टरिंग ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स क्योंकि जब हम यहां पर कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक्सपोर्टर्स के साथ भी कोलैबोरेशन की बात की जा रही है तो यहां पर

अगेन हमने जो एफ टी पी है उसके ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है अब हम इसके रिगार्डिंग एक एम सी को प्रैक्टिस कर लेते हैं एम है आपका दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू दी प्रोविजन दैट आर मेड अंडर एफ टी पी ट्वेंटी फर्स्ट स्टेटमेंट है दी कंसाइनमेंट वाइज कैप ऑन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स थ्रू कोरियर हैज बीन रेज फ्रॉम

सी डी देखिए अभी हमने पढ़े हैं अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने अभी मर्चेंटिंग ट्रेड की बात करी है जो कि एक्चुअली क्या है जो प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं उसको भी यहाँ पर एनहांस करने की बात करी गई है नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस वो भी आपको देखने को मिल रहा है सो so, यहाँ पर हमने फोर टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पर एड किया है प्लस जो भी टाउन्स आपको फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हुए दिखेंगे उनको भी हम रिक्नाइज करेंगे ऑफ एक्सपोर्ट सो अगर हम यहां पर ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन आपका बन जाता है दैट इज टू बी एंड डी सो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट क्योंकि अभी हमने पढ़ा अगर हम स्पेशल एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम की बात करते हैं तो इट इज एप्लीकेबल इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू पैराल क्लोदिंग सेक्टर टू अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर चार ऐसे टाउन्स को ऐड किया गया है जो कि क्या बनेंगे टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस दो हमारे पास एग्जिस्ट कर कितने करते थे थर्टी नाइन टाउन एग्जिस्ट करते थे लेकिन जो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट लिखी लिखी गई है वो कहीं भी एक्सप्रेसिटली मैंशन नहीं है इसीलिए आपका जो सी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन कौन सी सही हो जाती हैं दैट इज बी एंड डी राइट सो दिस वॉज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ एफ टी पी पॉलिसी अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बारी इस वीडियो को दोबारा देखिए क्योंकि बहुत सी निटिग्रिटीज आपको इस पॉलिसी में देखने को मिलेंगी जो कि आपके प्रिलिम्स के लिए और मेन्स के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है आई होप यू लाइक दिस सेशन थैंक यू वेरी मच